ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेड ब्रेथ, यानी कि मुंह से बैड स्मेल आना और उसको हम कैसे ट्रीट करें। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल दो तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ, सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात को 6 से 8। उसके अलावा अलखलीज हॉस्पिटल में रिम्स के अंदर होती हूँ मैं, 4 नंबर की मंजिल पे, 4th फ्लोर पे, कमरा नंबर 401, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6 बजे। बैड ब्रेथ के बारे में हम बात करें तो ये मसला आपका तभी सॉल्व हो सकता है अगर आप रेगुलर तरीके से अपने दांतों का ब्रश किया करें, खाना खाने के बाद डेंटल फ्लॉसिंग करें, अपनी टंग को ना मिस करें, अपनी ज़बान का भी आपने ब्रश करना है, जो भी डेंचर्स अगर आपने लगाए हुए हैं उनको भी आप साफ करें, अच्छे तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करें। हर वक्त आपका मुँह ड्राई बिल्कुल नहीं रहना चाहिए बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसके अलावा अपनी डाइट को एडजस्ट करें, नया टूथब्रश आप बाय करें, तब भी हेल्थ आपका मसला ना हो तो डेंटल चेकअप ज़रूर कराइए। हम लोग एज डाइटिशियंस जिन लोगों को वेट का प्रॉब्लम होता है तो उनको गम्स अलाउ करते हैं खाने के लिए, उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मगर शुगर फ्री हो ताकि आपकी स्टिमुलेशन हो सके और सलाइवा की प्रोडक्शन हो सके गम की च्यूइंग की वजह से। कॉजेस इसके हो सकते हैं क्रॉनिक, आपको रिफ्लक्स है स्टमक का, जिसको हम कहते हैं गर डिजीज़ है, ठीक है, एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर आपको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई है, गम के अंदर कोई डिजीज़ है, बार बार आपका मुंह ड्राई रहता है, तब भी ऐसा हो सकता है। ट्रीटमेंट ये है कि वक्तन फवक्तन पानी का इस्तेमाल करते रहा करें। आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा 1 कप गर्म पानी में डाल के अगर गर्गल्स करते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, या फिर आप ऐसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए जिसके अंदर बेकिंग सोडा ज़रा ज़्यादा हो। अगर लिस्ट्रीन कूलमेंट एंटीसेप्टिक आपने इस्तेमाल किया और उससे भी आप गर्गल्स कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट और गर्म पानी के साथ रेगुलर गर्गल्स कीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए, आप खुश रहें। कोई भी नहीं चाहता कि उसके मुँह से ऐसी स्मेल आए, हम सब चाह रहे होते हैं कि हम अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान करें। मुझसे अपॉइंटमेंट आप ओला डॉक के जरिए ले सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मेरे पेजेस आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए आइडियाज़ ओला डॉक को ज़रूर दीजिए ताकि हम उस पर वीडियोज़ बना सकें और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।